बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन। अल्लाह जो निहायत मेहरबान, उसी ने कुरान की तालीम फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व असहाबिही अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालत ताइफ़तुम मिन अहलिल किताबि आमिनू बिल्लज़ी उनज़िला अलल्लज़ीना आमनू वजहन नहारि वकफ़ुरू आखिरहू लअल्लहुम यरजिऊन। वला तुमिनु इल्ला लिमन तबिअ दीनकुम कुल इन्नल हुदा हुदल्लाह अन युता अहदुम मिस्ल मा ऊतीतुम औ युहाजुकुम इंद रब्बिकुम कुल इन्नल फदल बियदिल्लाह युतीहि मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। यख्तस्सु बिरहमतिहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फदलिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मौलाया सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका मन जानत बिहिल सुरूर। अहले किताब जब दलाइल के मैदान में लाजवाब हुए और उनके पास कोई बात बाकी न बची और उन्होंने देखा कि लोग शब रोज़ दीन बरहक को कबूल कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने एक नया तरीका ईजाद किया। आपस में मशवरा करके उनके जो बड़े थे उन्होंने कहा कि इस तरह करो कि तुम मुसलमानों में शामिल हो जाओ और कह दो कि हम मुसलमान हो गए, लेकिन अंदर शामिल होकर फिर कुछ एतराज़ात करके सुबह शामिल हो जाओ, शाम को इनकार कर दो, ये निषाद शामिल हो जाओ और बाद में एतराज़ात करके फिर इनकार कर दो कि हमने तो इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन इसकी तालीमात में, इसके आकाम में ये खामी है, ये खामी है, ये खामी है। यानी वक़ालत ताइफ़तुम मिन अहलिल किताब आमिनू बिल्लज़ी उनज़िला अलल्लज़ीना आमनू वजहन नहारे वकफ़िरू आखिरहू लअल्लहुम यरजिऊन। तो इसका असर ये होगा कि कोई ना कोई मुसलमान भी तुम्हारे साथ गुमराह होकर दीन से फिर जाएगा। वला तुमिनु इल्ला लिमन तबिअ दीनकुम, और इस बात पे पक्के रहो कि किसी पे एतबार न करो, मुसलमानों पे हरगिज़ एतबार न करो तब तक जब तक वो तुम्हारे दीन के ताबे नहीं हो जाते। इरशाद बारू हुआ कि मेरे हबीब इनसे कह दीजिए कुल इन्नल हुदा हुदल्लाह, हिदायत वो है जो अल्लाह ताला ने मुतय्यन फरमा दी है। अल्लाह की दी हुई हिदायत और अल्लाह की दी हुई सच्चाई सच्चाई है। अगर कोई शख्स अपनी तरफ से सच्चाई मुकर्रर करे या अपनी बात को हिदायत समझे तो वो गलत है। दीन बरहक वही है जो अल्लाह ने अता फरमाया, और जो उसकी मुखालफत करेगा वो यकीनन खसारे में होगा। ये एक ऐसा तरीके वारदात है कि ये जब से शुरू हुआ तब से लेकर आज तक ये चल रहा है, बल्कि आज इस पे और भी ज़्यादा ज़ोरों से काम हो रहा है। शुरू में ईमानियात और अकायद में यहूद व नसारा ने मुशरिकीन की भी मदद की, और बिलखसूस यहूद के उलमा इसमें बहुत पेश थे। फिर जब ग़ज़वात शुरू हुए, मदीना मुनव्वरा की रियासत इस्लामी वजूद पजीर हुई, तो मुशरिकीन मक्का को उभारने में भी यहूद मदीना पेश थे, और बदर और उहद के वाक़यात का सबब भी ये बने। फिर ग़ज़वा खंदक का सबब भी यहूद मदीना ने बहुत जाकर शोर मचाया और अरब के कबाइल को जमा करके कोशिश की कि छोटी सी आबादी है, एक बारगी ये ख़त्म कर दी जाए। तब से आज तक इनका तरीक़ेकार अदावत का चला आ रहा है। हत्ता कि अल्लाह करीम ने इन्हें नामुराद किया, इन्हें शिकस्त हुई, मदीना मुनव्वरा से निकाले गए और जजीरा नुमाए अरब से खारिज कर दिए गए। लेकिन ये अपनी बदतीनती और बदनीयती से बाज नहीं आए। जब मैदान जंग में मार खा गए तो फिर इन्होंने मुनाफिकाना साजिशें शुरू की। यह यहूदी का किया धरा था कि जो साजिश हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के खिलाफ बरपा हुई और वो उसमें मजलूम शहीद हुए, ये इन्हीं का किया धरा था जो हजरत अली करम अल्लाह वजहुल करीम की शहादत पे मुंतज हुआ। और ये यहूद ही का किया धरा था जो साने करबला का सबब बना और खान वादे रिसालत पनाही को बेदर्दी से तहते करने वाले भी वही लोग थे जिनको इन्होंने गुमराह करके एक नया फिरका बना दिया था। और तब से अब तक ये इस काम में पेश पेश आ रहे हैं। और आज भी देख लें कि रूए ज़मीन पे जितनी तबाही आ रही है या मुस्लिम ममालिक पे जितनी तबाही आ रही है, अफगानिस्तान को तबाह करने में, इराक को उजाड़ने में, पीछे जो असल ताकत है वो यहूदी की है। यानी तब से लेकर अब तक ये नामुराद कौम कदम ब कदम शिकस्त भी खा रही है, नामुराद भी हो रही है। और अल्लाह का दीन बाकी है, बाकी रहेगा। खुश नसीब हैं वो लोग जिन्हें दीन कबूल करने की तौफीक है और इस्तिताअत है और दीन पर अमल की इस्तिताअत है। लेकिन यहूदियों की साजिशें वैसी ही जारी सारी हैं और हर शोबे ज़िंदगी में हैं। आप अपने ज़राए देख लीजिए, नशर व इशाअत के अखबारी मज़ामीन पे नज़र मार लीजिए, अपने टेलीविज़न को देख लीजिए, दुनिया के टेलीविज़न को देख लीजिए, तो जितने ज़राए मवासिलात हैं उनमें इनकी भरपूर कोशिश है कि अगर कोई मुकम्मल काफिर नहीं होता तो कम से कम बदकार तो हो जाए, नेकी तो छोड़ दे। फिर नए नए एतराज़ात, कभी इबादात पर, कभी अकायद पर, कभी नज़रियात पर, और अजीब व गरीब बेतुकी बातें जो ऐसे लोगों के लिए बड़ी तबाही का सबब बन जाती हैं जिनका ईमान कामिल नहीं होता। हमारी बदनसीबी ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें बहुत बोधे ज़मानी है, हम बहुत पीछे रह गए हैं। 1450 साल का फासला है और हर लम्हा जो हुजूर के करीब होता है वो ज्यादा बरकत हासिल करता है। तो यूं यूं जमाना दरमियान आया। वो एक अरब शायर ने कहा था, कुन्ना का ज़ौज हमामतिन फी एकतिन मुतमत्तिईन बिसेहतिन व शबाबी, कि हम तो एक कबूतरों के जोड़े की तरह आपस में मोहब्बत करने वाले और मिलकर एक हौसले में, एक घर में मिलकर हंसी खुशी रहने वाले और प्यार करने वाले लोग थे। दखल ज़मानो बिना व फ़र्क़ बैनना, ज़माना हमारे दरमियान आ गया और उसने हमें जुदा जुदा कर दिया। इन्ना ज़माना मुफ़र्रिकुल अहबाबी, यकीनन ज़माना दोस्तों को दोस्तों से अलग कर देता है। तो ये जो वक़्त है या ज़माना है या दौर है, ये मरूरे ज़माना भी बड़े फासले बढ़ा देता है। कहाँ वो खुश नसीबी के लोग घर से उठते और मस्जिद नबवी में जाकर मजलिस नबवी से सीने मुनव्वर करते और दिलों को शाद करते और आँखों को रोशन करते। और कहाँ अब ये ज़माना कि अब दुनिया को अजीब तरह की हमाकतों में फंसा दिया गया है। यानी हमारी बदनसीबी ये है कि हमें इस तरह से भटकाया जा रहा है कि अगर हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी भी लेते हैं, या अब मीलाद शरीफ का महीना है, रबीउल अव्वल का महीना है, तो मीलाद के जलसे होंगे, बाज़ में तो बहुत अच्छी किरत होगी, बड़ी खूबसूरत नातें पढ़ी जाएंगी। लेकिन अक्सर जलसों में भी आप देखेंगे कि बहुत से काम ऐसे किए जाएंगे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी का सबब बनते हैं। कोई भी अमर जो खिलाफ सुन्नत होगा, खिलाफ शरीयत होगा, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी का सबब बनेगा। और ये सारा जो यहूदी और नसरानी कुव्वतें हैं, ये मिलकर इस तरह से लोगों को गुमराह कर रही हैं कि अगर कोई काफिर नहीं होता, दीन से बाहर नहीं जाता, तो कम से कम दीन पर भी उसका मुकम्मल एतमाद न रहे, या अगर उसके एतमाद में फर्क नहीं पड़ता तो अमल ही दीन पर करना छोड़ दे, बेअमली का शिकार हो जाए। जितना नुकसान हो सके इतना वो करना चाहते हैं। और हमारी बड़ी अजीब बात है कि हमारा दावा तो ये है कि जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ते मोहब्बत उसवार न हो, ईमान कुछ मानी नहीं रखता। ईमान का माना ही ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कल्बी ताल्लुक उसवार हो जाए। अल्लाह से ताल्लुक का सबब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक है, अल्लाह की खबर भी हुजूर से मिलती है, और फिर उसके साथ हमें दावे मोहब्बत होता है, दावे इश्क होता है कि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते वाला सिफात से मोहब्बत है, इश्क है। मोहब्बत और इश्क जो होता है उसका तकाजा क्या है? एक अरबी शायर ने एक मिसरा कहा, फ़इन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु मुतीउ, मोहब्बत करने वाला जिससे मोहब्बत करता है उसका गुलाम बन जाता है। बिल्कुल वो करता है जो वो कहता है, उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करता। फ़इन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु मुतीउ, मोहब्बत करने वाला अपने महबूब का गुलाम बन जाता है। उर्दू शायर ने कहा था, मोहब्बत क्या है, तासीर मोहब्बत किसको कहते हैं, मोहब्बत क्या है, तासीर मोहब्बत किसको कहते हैं, तेरा मजबूर कर देना मेरा मजबूर हो जाना। यानी मोहब्बत ये है कि महबूब की हर अदा का गुलाम हो जाए, आपकी पसंद के ताबे हो जाए, और कोई ऐसी हरकत न की जाए जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबे मुबारक पे गिरान गुजरे। लेकिन हम देखते हैं कि जब हम मोहब्बत के दावे के साथ मीलाद के जश्न करते हैं, जुलूस निकालते हैं, तो हर बंदा अंदाज़ा कर सकता है कि उसमें कितनी ऐसी हरकत की जाती हैं जो बारगाह नबी में बेअदबी शुमार हो। ये बारगाह तो ऐसी आली है कि अदब गाह ज़ेर आसमां अज़र्श नाजुकतर है, तो ज़मीन पर ज़ेर आसमान है, लेकिन इसके आदाब व कवायद अर्श से भी नाजुकतर और हसास है। कुरान करीम के मुखातिब जो लोग थे, मुखातिब अव्वल, वो सहाबाए कराम थे, और सहाबाए कराम में वो महाजरीन शामिल थे जिन्होंने 13 बरस मक्की जिंदगी के दुख और तकलीफें उठाई, फिर घर बार छोड़कर कुर्बान करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत फरमाई, और फिर आप सल्लम के साथ आपकी मैयत में, आपकी खिदमत आली में, बदर में, उहद में, खंदक में, गजवात में दाद शुजात दी, जान सार की, औलादें कुर्बान की, घर माल जायदादें छोड़ दी। वो अंसार मदीना थे कि जब रूए ज़मीन का सारा कुफ्र हुजूर के खिलाफ था, और इस्लाम का नाम लेना गोया खुद को तलवार की बाढ़ पर रखने के बराबर था, खुदकुशी समझी जाती थी, तो उन्होंने अपने सीने खोल दिए, घर खोल दिए, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी कि आप हमारे पास तशरीफ लाइए, हम अपनी जानें निछावर करेंगे, औलादें कुर्बान कर देंगे, और आपकी खिदमत का हक अदा करेंगे। ये लोग थे मुखातबीन अव्वल कुरान के। अब उन्हें इरशाद फरमाया जा रहा है, ला तरफऊ अस्वातकुम फौक सौत नबी, इस बात का ख्याल रखो कि कहीं तुम्हारी आवाज आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से बुलंद न हो जाए। हुजूर की बारगाह में पहुंचो तो इस बात का लिहाज रखो कि बात करते हुए तुम्हारी आवाज हुजूर की आवाज से बुलंद न हो जाए, और अगर बुलंद हो गई अनतहबत आमालुकुम वअंतुम ला तशऊरून, तुम्हारी सारी नेकियां जब्त कर ली जाएगी। तुम्हारे जहाद, तुम्हारे गज़वात, तुम्हारी हिजरतें, तुम्हारी कुर्बानियां, किसी की कोई कीमत नहीं होगी। अल्लाह करीम सारी जब्त फरमा देगा। वअंतुम ला तशऊरून, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और बाज़ उलमा ने अंतुम ला तशऊरून का जो अतफ है वो ला तरफ़ू अस्वातकुम को करार दिया कि गैर शऊरी तौर पर भी अगर आवाज बुलंद हो गई तो तमाम आमाल जाया हो जाएंगे, कोई नेकी कबूल नहीं होगी। हुजूर सूरे हुजरात में मौजूद है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम हुजरे मुबारक में मौजूद थे। दरम्यान में एक दीवार ही थी, बाहर एक सहाबी खड़े थे जो बाहर से आए, वो मवेशियों के चरवाहे थे। अपना रेवड़ मवेशी किसी के पास छोड़कर कोई मसला पूछना चाहते थे, बारगाह नबवी में आए। हुजूर हुजरे मुबारक के अंदर तशरीफ फरमा थे, उन्हें जल्दी थी वापस जाने की। तो उन्होंने दीवार के बाहर से आवाज दी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाइए, मेरी गुजारिश सुनिए। तो अल्लाह करीम ने सख्ती से मना फरमा दिया। युनादूनका मिन वराइल हुजुरात, ये ऐसे नादान हैं कि दीवार के बाहर से आपको आवाज देते हैं। और कुरान ने यह अदब सिखाया कि इन्हें चाहिए था कि इंतजार करते हत्ता तखरुज इलैहिम, कि हुजूर हुजरे मुबारक से बाहर भी तशरीफ लाते और किसी दूसरे की तरफ मुतवज्जह होते तो ये बात करने की जरूरत न करते। जब तक आप अपनी मर्जी से उसकी तरफ मुतवज्जे होते तो फिर अपनी बात अर्ज करते। और मैं अक्सर हमला या किलून, ये तो बहुत बड़ी जहालत, बहुत बड़ी नादानी। हालांकि वो बहुत मुखलिस साहबी थे और दीनी मसला पूछना चाहते थे, यानी वहाँ मोहब्बत और इश्क जो है वो भी अदब का पाबंद है। मोहब्बत हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, मोहब्बत भी वैसे की जाएगी जैसे उस बारगाह से, उस दरबार से इजाजत मिलेगी। अब एक शख्स दीवार के बाहर से कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी गुजारिश सुनिए, तो अल्लाह करीम नाराज हो जाते हैं। और एक यहाँ से लाउड स्पीकर लगा कर कहता है, कितना फासला है। और फिर हम ऐसे, यानी हमारी हमाकत की हद ये है कि हम इस पर सवाब की उम्मीद भी रखते हैं, गुस्ताखी भी करते हैं और सवाब की उम्मीद भी रखते हैं। ये सारी जहालतें हम में कहाँ से आ गई? ये सारी जहालतें, ये सारी कबाहतें यही यहूद और नसारा के फैलाए हुए प्रोपेगेंडे का असर है। कि कम अज कम अगर मुसलमान अकीदे से दूर नहीं होता तो उसको ऐसे आमाल में, ऐसे कामों में फंसा दो। और मुझे हैरत होती है कि बाज़ उलमा हजरात भी इसकी ताकीद करते हैं। इसी तरह से नात होती है अजहार मोहब्बत के लिए। खुद बारगाह रिसालत पनाही में हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नात पेश की और साहबा कराम ने नात पेश की। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हो की नात बहुत मशहूर है। और हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हो तो हज़रत हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबारी शायर लगते हैं, बल्कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बाज़ बातों का हुक्म भी दिया। मुशरिकीन मक्का ने हुज़ूर की शान में गुस्ताखी करके शेर कहे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन को हुक्म दिया कि मक्का वालों की हिज्ब लिखो। तो ये सब साबित है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि बारगाह रिसालत में इस तरह से वो गा गा कर पढ़ते होंगे जिस तरह आज हम नात पढ़ते हैं, या जिस तरह आज ये फिल्मी धुनों पर और फिल्मी गीतों पर नात लिखी जाती है और पढ़ी जाती है? इस तरह कोई बारगाह रिसालत में पढ़ता होगा जब अल्लाह का हुक्म है कि आवाज, हुजूर की आवाज से आवाज बुलंद ना करो। तो नात पढ़ने का भी एक अदब है, नात लिखने का भी एक करीना है, एक सलीका है। और हर मामले में सबसे मुकद्दम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह का अदब और एहतराम और आपकी अजमत की जो अकदार हैं, आपकी अजमत की अकदार, उनको मद्देनजर रखना है। हत्ता कि हुजूर के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद भी वही हुक्म है, रोज़े अतहर पर भी आवाज़ बुलंद करना उसी वही जुर्म है जो हुजूर की बारगाह में जो जुर्म है। और बड़ी अजीब बात जो मौजज़ा खुद मैंने देखा, मस्जिद नबवी अल्लाह साहब अस्सलातु वस्सलाम की तौसीह हो रही थी और उस दौरान वो मुसलसल कई बरस होती रही और कई बार हाजिरी नसीब हुई। तो एक साल हमने देखा कि वो बुनियादें जो सतूनों की बुनियादें उन्होंने इस तरह से बनाई कि बड़े बड़े लंबे कटर उन्होंने लगाए और मेरे ख्याल में वो 70-75 फुट अंदाजन वो लंबे थे, 70-75 फुट गहराई तक उन्होंने उन कटर से खोदा और वहाँ से वो जो सतून है मस्जिद नबवी की उनकी बुनियादें भर कर लाए। अब चारों तरफ वो काम शुरू था और वो बड़े बड़े लंबे 70-100 फुट के कटर थे और उन पर एक ऊपर लोहे का बहुत बड़ा वजन को तकरीबन मैंने पूछा तो उनको वो बताते थे कि ये 20 मन इसका वजन है। वो क्रेन उठाती थी ऊपर और फिर उसको जोर से उस पर छोड़ देती थी, उस पर लगता था, इस तरह वो जमीन में धंसता जाता था। तो इतना शोर होता था पूरे शहर मदीना मुनव्वरा में कि वो कितने वो लगे हुए थे सैकड़ों के हिसाब में और ठका ठक वो उस पर वो लग रहे थे थोड़े। लेकिन जब भी मस्जिद नबवी अला साहब सलातो सलाम के दरवाजे से अंदर हो जाए आप तो कोई आवाज नहीं होती। मैंने बारहा तजर्बा किया कि सारे शहर में उन मशीनों का शोर गूंज रहा है, सारे शहर में उस खुदाई का शोर गूंज रहा है, लेकिन जैसे आप मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं कोई आवाज। वो जो अदब है अल्लाह करीम ने इस तरह से कायम रखी हुई थी कि ये मेरा ज़ाती तजर्बा है, मैंने खुद देखा। भूल जाता था बंदा मस्जिद के अंदर, बिल्कुल याद नहीं रहता था कि बाहर मशीनें लगी हूं, दोबारा जब बाहर निकलते तो ख्याल आता यार बाहर तो बड़ा शोर है, लेकिन बिल्कुल पता नहीं चलता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल के बाद रोज़ा अतर के सामने गली थी, गली के बाहर घर थे। उस घर में किसी खातून ने दीवार में एक कील ठोंका और ठुक ठुक की। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पैगाम भेजा और आपका पैगाम यह था, ला तोज़ू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेआराम न करो, आपको ईज़ा। ये ठुक ठुक क्यों कर, गली के पार घर था कि वहां ठुक ठुक क्यों कर रही। एक आराबी मस्जिद नबवी में आया, उस वक़्त मस्जिद नबवी में कंकरियाँ पड़ी हुई थी नीचे, हुजूर के ज़माने मुबारक में बारिश हुई और छत मुबारक टपकी और खजूर के पत्तों की छत थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज की इमामत फरमाई और आपका पेशानी अनवर, रुख अनवर जो है वो गीला हो गया, मिट्टी गीली थी नीचे। तो साहबा ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह इस पे हम अगर इजाज़त हो तो कुछ कंकरियाँ ला के डाल दें ताकि कीचड़ न बने। तो हुजूर ने इजाज़त दी, तो पहला फर्श वो था कि वो बाहर से कंकरियाँ चुनकर मस्जिद नबवी में बिछाई गई। तो विसाल आली के बाद कोई शख्स बाहर से, कोई आराबी आया, सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु मस्जिद में मौजूद थे, उसने किसी से बात की और उसकी आवाज़ बुलंद हुई। तो आप थोड़े से फासले पे खड़े थे, आपने नीचे से कंकरी उठाकर उसे मारी। उसने मुड़कर देखा तो इशारे से बुलाया और आराम से पूछा कि कौन हो, कहाँ से आए हो। तो उसने उसकी हजरत बदवी हूँ, जंगल से आया हूँ, इस काम से आया हूँ। तो आपने फरमाया कि अगर तुझ बदवी और जंगली न होता और तुझे ये मुझे ये ख्याल आते कि तुझे आदाब का पता नहीं तो मैं तुझे दुर्रे मरवाता। तो इतनी बुलंद आवाज से बारगाह अकदस में बात कर रहा है। यानी अब बारगाह अकदस के उस अदब को देखें और हम अपने किरदार को देखें तो हमें ये लोगों ने क्या तमाशा बना दिया है। ये कौन लोग हैं जो हमें इस तरह के मशवरे देते हैं कि हम जो मोहब्बत करना चाहते हैं उसमें भी गुस्ताखी का आंसर आ जाता है। ये किसी एक बंदे या किसी एक फिरके या किसी के तनज़ की बात मैं नहीं कर रहा, मैं पूरी दयानतदारी से खालिस अल्लाह के लिए सोचने की दावत दे रहा हूँ कि हम सबको इस पर गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि हमें करना क्या है और हम कर क्या रहे हैं। क्योंकि ये तरीके वारदात जो कुरान करीम ने बताया वो काल ताइफतुम मिन अहलल किताब यहूद व नसारा की एक जमात ने ये तय कर लिया कि आमनू बिल्लज़ी उनज़िला अल्लज़ीना आमनू वजहन नहारे कि सुबह तो लोगों से मिलकर और मुसलमानों से मिल जाओ और उनसे कहो हमने इस्लाम कबूल कर लिया, कलमा पढ़ लो, उनके साथ नमाज रोज़ा सीखना शुरू कर दो, वक़फ़रू आखिर हो बिल आखिर इनकार कर दो, कहो यार इसमें तो ये खामी है, ये कमी है, आपने ये सही इस्लाम का ये हुक्म दुरुस्त नहीं है, ये अकीदा दुरुस्त नहीं है। तो तुम्हारे इस इनकार कर देने से हो सकता है लअल्लहुम यरजून, हो सकता है कुछ मुसलमान भी गुमराह हो जाए, कोई मुसलमान भी मुर्ताद हो जाए। वला तुमिनु इल्ला लिमन तबअ दीनकुम, और कभी एतबार न करो सिवाय इसके कि जो तुम्हारे दीन के ताबे जो यहूदी या नसारा हो जाए उसके साथ अपना उस पर एतबार करो, दूसरों पे न करो। फरमाया मेरे हबीब इनसे कह दीजिए कि तुमसे पहले शैतान सारे मकर करता चला आ रहा है और तुम्हें भी वही सिखा रहा है और तुम भी करके देख लो, लेकिन हक ये है कुल इन्नल हुदा हुदल्लाह, हिदायत वही है जो अल्लाह करीम ने इरशाद फरमा दी, जो इत्तबाए मोहम्मद रसूलुल्लाह है, जो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात पहुँचा दी, हिदायत की बात वही है, उसके खिलाफ जो भी करेगा वो हिदायत नहीं होगी। योता अहदुम मिस्लमा ऊती तुम और युहाजूकुम इंद रब्बिकुम कुल इन्नल फदल बियदिल्लाह योती है मैं यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। फरमाए यहूद और नसारा को अब ये बड़ा बुखल है कि भाई ये विलायत, ये नबुव्वत, ये सरदारी, ये अजमत ये हमें मिलनी चाहिए थी, तो ये उधर कैसे चली गई। क्योंकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से लेकर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में जो नबुव्वत चली वो आगे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हज़रत इसहाक़, हज़रत याकूब, हज़रत यूसुफ, इस तरह से तो ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने अम्बिया आए वो उसी नस्ल में से थे, बनी इसराइल में से थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल था तो उनकी औलाद को बनी इसराइल कहा गया। तो उनके जो 12 बेटे थे 12 कबाइल बने, फिर आगे फैल कर ये कौम बनी, तो तमाम अम्बिया इन्हीं में आते रहे। आखिर में आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए, इमामुल अम्बिया मबूस हुए और आप हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद तो थी लेकिन आप इसहाक़ अलैहिस्सलाम की बजाय इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। अब यहूद बेबहबूद को और नसारा को ये दुख लग गया कि ये तो याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से तो नहीं है, ये तो इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं और ये हमारे कबीले से तो सरदारी चली गई और किसी न किसी तरह से अब मुखालफत की जाए। तो फरमाया इनसे कह दीजिए कि इन्नल फदल बियदिल्लाह, ये तो अजमत तो अल्लाह के दस्ते कुदरत में है, वो जिसे चाहे दे दे, तुम्हारे मशवरे का वो मोहताज नहीं है, न तुम्हारी राय पर उसने किसी को अता करनी है, न तुम्हारे कहने पर किसी को फजीलत मिल सकती है, ये तो उसकी अता है और उसने सदियां बाद सदियां, नस्लन बाद नस्लन, कब से इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक तुमको नवाजा और तुम गुस्ताखियां करते रहे, तुम पर अजाब आते रहे, तुम तबाह होते रहे, तुम्हारी शक्लें मस्ख होती रहीं, तुम बंदरों और खंजीरों की शक्लों में तब्दील होते रहे, फिर भी वो रहम फरमाता रहा और नए नबी तुम्हारी खानदानों में मबूस फरमाता रहा, तुम्हें तौबा की दावत देता रहा, तुम्हें इस्लाह की दावत देता रहा। ये उसका एहसान था, ये तुम्हारा कमाल नहीं था। और जब उसने चाहा तकमीले नबुव्वत चाहिए और आखिरी नबी सारी इंसानियत के लिए और सारे जमानों के लिए और हमेशा तक के लिए आखिरी किताब और आखिरी नबी उसने इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद मुबारक से भेज दिया। ये तो उसके अजल के फैसले हैं। जब मखलूक पैदा की गई, जब अरवाह पैदा की गई, तब अम्बिया मुंतखब कर लिए गए, और उस वक़्त सारी मखलूक से जब अजमत इलाही का ऐद लिया गया तो अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से भी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का अहद लिया गया। तो ये तो ऐद अलस्त की बातें हैं। तुम आज इसकी मुखालफत करके क्या कमाल होगे। और ये याद रखो, इन्नल फदला बियदिल्लाह, अजमत अल्लाह के हाथ में है, वो जिसे चाहता है देता है। वल्लाहु ज़ुल फदलिल अज़ीम, के वो बहुत बड़े फजल का मालिक है, बहुत बड़े करम का मालिक है, उसकी अपनी बारगाह के फैसले हैं। और जिसे वल्लाह यख्तसु बिरहमतिही में यशा वल्लाहु ज़ुल फज़लिल अज़ीम, वो चाहता है जिसे अपनी रहमत के लिए मुख्तस कर लेता है। गोया अजमत रहमत इलाही है, और रहमत इलाही हमेशा अताअत इलाही और इत्तबाए नबुव्वत में होती है। ये बड़ी याद रखने की बात है कि अजमत जो है नबी को मिलती है, नबुव्वत की अजमत, और नबी के मुत्तबईन को जिस तरह सोबत पैगंबर से सहाबी बनते हैं, ताबीन बनते हैं, तबा ताबीन बनते हैं, इसी तरह उम्मत में अल्लाह के नेक बंदे वलीउल्लाह होते हैं। लेकिन विलायत की शर्त क्या है कि ये अल्लाह की रहमत है, और रहमत हमेशा हुजूर के इत्तिबा से और खालिस और खरी इतात से नसीब होती है। तो जिसे इतात नबवी नसीब नहीं, इत्तबा नबवी नसीब नहीं, या जिसका अकीदा दुरुस्त नहीं या अमल दुरुस्त नहीं, वो वलीउल्लाह नहीं हो सकता। हालांकि हमारा रिवाज ये है कि हम हर पागल को या जो कपड़े फाड़ दे या जो उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाए या जो एक दरबार बैठकर चार तस्मियां गले में डालकर बैठ जाए, हम समझते हैं ये वली हो गया। हम अल्लाह को छोड़कर उसके दरवाजे पे लंबे पड़ जाते हैं कि अब ये सारी मुश्किलात ये हल करेगा। मखलूक की क्या मुश्किलात हल करेगी। अगर कोई वलीउल्लाह है भी तो हमें उससे हिदायत लेनी है। अगर उसके पास हुजूर का दिया हुआ इल्म है, हुजूर के बताए हुए अकायद हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई सुन्नत है, तो वली से जो फैज़ हासिल किया जा सकता है वो ये है कि हमें भी इत्तबाए सुन्नत नसीब हो जाए, हमारा भी अकीदा दुरुस्त हो जाए, हमारा भी अमल सही हो जाए। रहा दुनिया का मामला तो उसके लिए किसी वली की मिन्नत करने की क्या जरूरत। वो तो कुफार को भी रिज्क भी दे रहा है, औलाद भी दे रहा है, काफरों को हुकूमतें भी दे रखी हैं। काफरों को किस वली, काफरों की सिफारिश कौन वलीउल्लाह कर रहा है कि उन्हें हुकूमतें मिली हुई हैं। दुनिया का एक निज़ाम है, उसने रिज्क, सेहत, उम्रें, बीमारियां, खुशियां, दुख, हर चीज बांट दी है। हर एक ने अपने हिस्से का लेना है और चला जाना है। देखने की बात यह है ये मौसम को कितनी सर्दियां थी। आज तो ऐसे पता चलता है कि यहां सर्दी आई ही नहीं, गर्मी आ जाएगी, फिर गर्मी चली जाएगी, सर्दी आ जाएगी। कितनी खुश्कसाली थी। आज जगह जगह पहाड़ों में चश्मे जारी हो गए। ये हालात बदलते चलते रहते हैं, ये कुदरत का अपना निज़ाम है। अब देखना, हमें देखना ये है कि इन तब्दीलियों में गर्मी हो या सर्दी, रिज़्क ज़्यादा हो या कम हो, सेहत हो या बीमारी हो, खुशी हो या गम हो, इसमें मैं अल्लाह और अल्लाह के हबीब की इताअत कर रहा हूँ या नहीं। जो देखने और समझने की बात है वो ये है कि मेरा मामला मेरे रब के साथ कैसा है, मेरा मामला मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसा है। अगर हुजूर का इत्तिबा नसीब है, अल्लाह की इताअत नसीब है, तो गर्मी सर्दी गुजर जाएगी, भूख अफलास गुजर जाएगा, बीमारी भी गुजर जाएगी, वक़्त बदल जाएगा। और अगर हुजूर की गुलामी और आपका इत्तिबा नसीब नहीं है, अल्लाह के साथ मामला दुरुस्त नहीं है, तो फिर दुनिया की हुकूमत भी मिल जाए तो क्या फ़ायदा। वो तो चली जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, दुनिया भी रह जाएगी, हुकूमत भी रह जाएगी, और बंदे को अल्लाह के हुजूर में जवाब देना होगा। तो फरमाया यख्तस्सु बिरहमतिही में यशा, जिस पर बहुत मेहरबानी करता है उसे अपनी रहमत के लिए मुख्तस कर लेते। उसकी रहमत यह है कि अकीदा और ईमान सही हो जाए। उसकी रहमत यह है कि आमाल हुजूर के हुक्म के ताबे हो जाएं। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम, अल्लाह बहुत बड़ी मेहरबानी, बहुत बड़े फजल और बहुत बड़ी अता का मालिक है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजरत अमीर मोहम्मद अकरम आवान मद्द जिल्लहुल